दोस्तों, अगर आप लोग भी कक्षा 12 की रिजल्ट देखना चाहते हो घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए ऑनलाइन, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को यही बताया जाएगा कैसे आप लोग क्लास 12th की रिजल्ट देख सकते हो यूपी बोर्ड की। दोस्तों देखिए, जो है कक्षा 12 की रिजल्ट जो है ना जल्दी आने वाली है। कब तक आएगी, किस दिन आएगी, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोगों को मैं अपने फोन से ही बताऊंगा कैसे ऑनलाइन देख सकते हो घर बैठे अपनी क्लास 12th की रिजल्ट। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी बोर्ड कक्षा 12 की रिजल्ट देखना चाहते हो तो अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम को खोल लेना है। उसके बाद कोई भी ब्राउजर खोल के यहाँ पे लिखना है यूपी बोर्ड। जैसे ही दोस्तों यूपी बोर्ड लिख लेते हो, उसके बाद से लिखना है रिजल्ट। यूपी बोर्ड रिजल्ट लिख लेते हो तो NIC लगा दीजिएगा। और जैसे इतना सर्च करोगे ना, तो बस दोस्तों इतना सर्च करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे लिखा रहेगा उत्तर प्रदेश रिजल्ट, और यहाँ पे डोमेन शो होगा uprizults.nic.in। तो आपको इसी वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 2023 का जो रिजल्ट है 25 अप्रैल को अनाउंस हुआ था, वो अभी यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि अभी रिजल्ट आई नहीं है। लगभग 20 अप्रैल को आ सकती है ऐसा बताया जा रहा है। कंफर्म नहीं है 20 अप्रैल को ही आए, लेकिन 20 से 25 के बीच में आ सकती है। तो ये 2023 वाला रिजल्ट है। दोस्तों जैसे ही यूपी बोर्ड 2024 का रिजल्ट आ जाएगा ना, तो यहाँ पे 2023 के जगह पे 2024 लिखा हुआ रहेगा, जिससे आप लोग समझ सकते हो 2024 का रिजल्ट आ गया है। बस आपको यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट क्लास 12th एग्जामिनेशन पे क्लिक कर देना है। और जैसे इस पे क्लिक करते हो क्लास 12th वाले पे, उसके बाद से यहाँ पे आप सभी लोगों को 2024 दिखाई देगा। तो आप समझ जाएगा ये नया जो एक्साल है उसका रिजल्ट है। और यहाँ पे आप लोगों को इस वाले बॉक्स में अपना पूरा का पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक रोल नंबर डाल देना है जो एडमिट कार्ड पे होगा। और यहाँ पे आप लोगों को एडमिट कार्ड पे दोस्तों रोल नंबर डाल देना है जो होगा लिखा हुआ, और यहाँ पे दोस्तों एडमिट कार्ड का स्कूल का जो कोड होगा वो भी लिखा हुआ होगा। तो ऊपर वाले बॉक्स में आप लोगों को यहाँ पर रोल नंबर डाल देना है अपना जो पेपर में दिए थे, और यहाँ पर स्कूल की कोड डाल देनी है जो आपके एडमिट कार्ड पे छापा गया होगा। ये दोनों चीज़ें डाल देने के बाद इस नंबर को 36955 वाले नंबर को इस वाले बॉक्स में डाल दीजिएगा। उसके बाद से सबमिट कर देंगे ना, तो आप लोगों को दोस्तों टोटल आपका रिजल्ट दिखा देगा कितना नंबर पाए हो, पास हो कि फेल हो। तो ध्यान रहे यहाँ पर ये दोनों चीज़ें जो है ना एडमिट कार्ड पर ही लिखे हैं, वही दोनों चीज़ें आप यहाँ पर डालिएगा और सर्च कीजिएगा, आप लोगों को रिजल्ट शो हो जाएगा। यहाँ तक इस वीडियो को देख ही लिया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो यूपी बोर्ड क्लास 12th की रिजल्ट है ना, वह जल्दी आ जाएगी। पूरी कॉपी साइन हो चुका है, ऑनलाइन मार्क्स रिजल्ट को चढ़ाया जा रहा है। जैसे ये ऑनलाइन रिजल्ट चढ़ जाती है वेबसाइट पे, उसके बाद से दोस्तों आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगी उसी वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट के बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। बस दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा वॉच किए, इसके लिए आप लोगों को दोस्तों बहुत बहुत थैंक्स। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी बता देता हूं, जो यूपी बोर्ड क्लास 12 की रिजल्ट है ना, वो 20 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल के बीच में लगभग आ सकती है। तो दोस्तों उसमें आप लोगों को यह भी बताया जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में आप पास हो, कौन से सब्जेक्ट में फेल हो, और कितने नंबर्स मिले हैं, कितने मार्क्स मिले हुए हैं। आप वहीं से PDF में डाउनलोड कर सकते हो या प्रिंट निकलवा सकते हो। अगर वीडियो को पूरा वॉच किया हो तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।